तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और ये टूल के ऊपर वीडियो है, आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं एक आयरन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ये हार्डवेयर टूल है, आयरन के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आपको फुल डिटेल में दूंगा। ये आयरन है T12 Pro X है, ये T12 Pro X है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बीट है इसमें, ये आपकी बीट, एक तो बीट इसके साथ में आती है। इसमें क्या क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके हैंडल हैं जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड, और इसके हैंडल के बाद ये हमारी, ये साफ़ करने के लिए, हमारी पिन को साफ़ करने के लिए सारी चीज़ें होती है। मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। और इसके बाद ये हमारा, आप देख सकते हैं मेन T12 Pro का, ये देख सकते हैं आप। मैं इसको सारा चीज़ अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको दिखाऊँगा ओवरव्यू, और इसकी हीटिंग, वो सारी चीज़ आपको मैं यहाँ पर करके दिखाऊँगा। तो इसको मैं कर देता हूँ। तो गाइज़, आप फाइनली देख सकते हैं, ये इसका स्टैंड है, और ये इसका वो है, और ये इसकी बीट है जैसा कि आप देख सकते हो पेन। और इसमें जो बीट आती है, इसमें एकदम माइक्रो आती है जैसा कि आप देख सकते हैं बीट इसकी, ये देख सकते हैं। ये इसके हैंडल है, और ये बीट है, और ये देख सकते हैं आप। इधर से मैं आपको दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं T12X, आप ये देख सकते हैं T12X। और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको और भी इसके बारे में बताना चाहूँगा, पूरा डिटेल के साथ मैं इसको बताऊँगा। तो ये देख सकते हैं अनबॉक्सिंग। बाकी आप टेक्नीशियन के रूप में आप ये मीडियम, ये समथिंग आपको 2500 से 2300 रुपये या 2600 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये इसके पावर केबल हैं और ये सारी चीज़। मैं एक चीज़ और, इसमें आप अलग से भी 2-250 रुपये की इसकी बीट आती है, इसमें आपको माइनस वाली बीट भी आप इसमें ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको खोल के भी दिखाऊँगा, ये माइनस बीट है जिसमें आपको काम करने में, ये दोनों बीट से आप बहुत ईजी तरीके से इंस्टॉल हो जाता है और बहुत ईजी तरीके से वर्क हो जाता है। तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये बीट आप देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही माइक्रो होता है और काम करने में बहुत ही आसानी होता है, माइक्रो जंपरिंग करने में। तो इसको सिंपल से क्या करना है, ये देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से इंस्टॉल हो जाता है और बहुत ही इजी तरीके से लग जाता है। इसके काफ़ी एक्स्ट्रा रबड़ भी दिए हुए हैं जिसमें आपको, तो सिंपल सा इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये बस सिंपल तरीके से ये आपका इंस्टॉल हो जाता है बहुत ही ईजी तरीके से, ये बस इतना ही। और ये निकालना भी है तो बहुत इजी तरीके से निकल के इंस्टॉल हो जाएगा। और माइनस वाली बीट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये माइनस वाली बीट भी है, आप अगर माइनस वाली बीट चाहिए तो माइनस वाली बीट भी निकाल के आप लगा सकते हो, बहुत इजी तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। अब मैं इसको इसमें लगा देता हूँ और आपको फाइनली करके दिखाता हूँ कि ये कैसा वर्क कर रहा है, इसका आउटपुट क्या है। इसका आउटपुट तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये बहुत इजी तरीके से हैंडल में यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाता है, और ऑटो है यहाँ पे, आप देख सकते हैं हैंडल इसका बहुत प्रॉपर वर्क भी करता है जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैं इसको लगाता हूँ और आपको फाइनली करके यहाँ पे दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फाइनली हमने इसको पावर की को दे दिया है। ये इसके जो वोल्टेजेज है, मैं आपको दिखा दूँ, मॉडल आप देख सकते हैं, इसमें इनपुट आप देख सकते हैं, इसमें पावर देख सकते हैं, इसमें आप टेम्परेचर देख सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर है 150 से लेकर के 480 तक यहाँ पर ये जाता है जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसकी जो हीटिंग है फ्रेंड्स, ये आपकी जाएगी 150 से 450, ये इसकी एडजस्टेबल होती है, इसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, 480 तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसको आपको प्रॉपर पता ही है कैसे करना है, ये ऑटो कट होती है। देखिए ये टेम्परेचर आप देख सकते हैं, बहुत ही जल्द ये हीट हो जाती है जैसा कि आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे भी कोई PCB को या रंगा को मेल्ट करके भी आपको दिखा दूँगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 में ये हो चुका है बहुत ईजी तरीके से। अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ ईजी तरीके से, तो आप ये देख सकते हो ये डाउन हो जाएगी, इसका जो हीटिंग है, टेम्परेचर देख सकते हैं ऑटो। इसका जो सेंसर है बहुत अच्छा वर्क करता है, इसके जो हैंडल है बहुत ही स्मूथ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लीनिंग करने के लिए प्रोसेस यहाँ पे देखिए दी गई है, आप यहाँ से इसको क्लीन कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा वाटर डाल करके इसमें भी आप यहाँ पर क्लीन कर सकते हो। ये देख सकते हैं नोज़ल बहुत ही जल्दी बीट हमारी हीट हो चुकी है, और ये यहाँ से आप इसको क्लीन इसी तरीके से कर सकते हो। इसको आप यहाँ पर हैंडल पर रख सकते हो, कभी भी ये रबड़ ख़राब हो जाए तो रबड़ को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये फाइनली आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वर्क करता है, एक 480 पे हीट है, आप इसको चाहो तो यहाँ पे भी कम कर सकते हो फ्रेंड। इसका जो T12 आया था, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 350, आप यहाँ पे भी इसको उसके हीट के अनुसार काम कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अगर आपको 480 करना है तो आप यहाँ पे 480 भी इसको कर सकते हैं, 480 में हीट कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी तरीके से हीट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 450, इसको जो आप रखी है हमेशा 450 के अंडर में रखिए, जिसमें आपको 470 या 400 उस पर बीच पे आप रखिए। तो मैं अभी अब टेस्ट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि किसी भी PCB में लगा करके कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और बंद होने के बाद बहुत जल्दी कंट्रोल भी हो जाता है, और अगर आपको माइनस बीट चाहिए तो आप यहाँ पे माइनस बीट भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं कितना जल्दी ये मेल्ट हो जा रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये रंगा हमारा है,
और ये देख सकते हैं कितना जल्दी ये मेल्ट हो जा रहा है, बहुत ही इजी तरीके से जल्दी से मेल्ट हो जा रहा है। किसी भी जंपर मारना है या कुछ भी करना है तो बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हो। जैसा कि मैं देखिए आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, मैंने रखा और ये तुरंत मेल्ट हो गया। तो ये बहुत अच्छा काम भी करता है और यहाँ पर बहुत अच्छा से आप इसको क्लीन कर सकते हो और यहाँ पर जंपर कर सकते हो, कुछ भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर अगर क्लीन करना है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको क्लीन करके इसमें थोड़ा सा डाल करके बहुत इजी तरीके से आप क्लीन कर सकते हो। ओवरव्यू ये आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा आयरन है, यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ही बेस्ट आयरन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मिनिमम 2500 से 2600 रुपये के बीच में आ जाता है। इसकी स्टैंड और क्वालिटी, बीट क्वालिटी बहुत ही बेटर है। आप यहाँ से माइनस बीट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत महंगी नहीं होती है, 250 से 300 रुपये में ये आ जाती है। और ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो T12X, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। हीटिंग यहाँ पे हैंडल पे भी ज़्यादा वो नहीं है कि हीट हो रहा है। तो ओवरऑल ये वीडियो मैंने टेक्नीशियन भाई के लिए बना दी है, आप चाहे तो इसे परचेस कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो जानकारी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। We'll be right back.